हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबके क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? जैसे कि हमने पहला प्रीव्यू किया था, जो है मैच जो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, तो अभी जो मैच ख़त्म हुआ है वो है मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड का। जैसे कि अफगानिस्तान हमेशा से बैटिंग में उनकी वो प्रॉब्लम रही है, तो आज भी उन्होंने अपनी वही रवायत जो है वही अपनाई। स्टार्ट में ही उनकी बैटिंग लड़खड़ा गई, जैसे कि हज़रतुल्ला जज़ई गुरबाज़ वो अच्छी पार्टनरशिप देने में वो जो है नाकाम गए। वो इब्राहिम जरदान ने जितने बॉल खेले उतने ही रन्स बनाए, 32 बॉलों में 32 रन्स। में भी थोड़ा सा पिच में थोड़ा सा इतना आसानी से रन्स नहीं आ रहे थे, शायद ये भी वजह थी। और उसके साथ उसका साथ दिया उस्मान गनी ने, 30 बॉलों में 30 रन्स बनाए। और बाकी कोई भी खिलाड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो बोर्ड पे जो है स्कोर 112 तक से ज़्यादा नहीं ले सका। और जैसे कि अफगानिस्तान हमेशा फेमस है कि वो जब बॉलिंग करती है तो वहाँ पे भी अपना एफर्ट बहुत लगाती है। जैसे कि आज उन्होंने एफर्ट लगाया, 5 विकेट उन्होंने इंग्लैंड के ले लिए। अगर ये स्कोर 130 या 140 तक होता तो शायद ये स्कोर इंग्लैंड के लिए जिससे बिल मुश्किल होता। इंग्लैंड ने सिर्फ 113 रन्स के लिए अपनी 5 विकेट गंवा दी, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है उनकी तरफ से विकेट्स जो लिए, सबने एक एक विकेट लिया। मतलब फारूकी ने 4 ओवर में 24 रन से 1 विकेट लिया, और राशिद खान ने 4 ओवर में 17 रन से 1 विकेट लिया, और मुजीब रहमान ने 4 ओवर में 22 रन 1 विकेट लिया, नबी ने 1 विकेट लिया और फरीद अहमद ने 1 विकेट। जबकि इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर लिविंग स्टोन ने बनाया 21 बॉलों में 29 रन्स। तो इस हिसाब से इंग्लैंड ने टॉप 12 में अपनी पहली जीत जो है कर ली है, और अफगानिस्तान पहली हार के साथ भी मेरे ख्याल में काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा। मैं अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन आपसे करवा लूँ। ये मेरा दोस्त है साहिर सागर, जो हमें बताएगा थोड़ा सा आज का मैच के बारे में भी और जो कल मैच आएगा उनके बारे में। जी, आप बताएं कि अफगानिस्तान का क्या ये रियली इशू है कि वो हमेशा बैटिंग में परफॉर्म कर नहीं पाता लेकिन बॉलिंग में अपनी अच्छी एफर्ट लगाता? हाँ नाजरीन, ये बिल्कुल है। जैसे कि अफगानिस्तान का बुनियादी तौर पे इशू यही रहा है कि बैटिंग उनकी हमेशा कमज़ोर रही है। वैसे स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, अभी तो फास्ट बॉलिंग भी पिछले जो T20 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक फास्ट बॉलिंग में भी अभी जो है वो तगड़े हो चुके हैं। मगर इनका वही इशू है कि या तो इनको ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिल सकती और इसके अलावा मिडिल ऑर्डर भी इनका बहुत कमज़ोर है। जैसे कि इनके पास जो गनी आए हैं, उस्मान गनी, वो बहुत अच्छे हैं, मगर आज अफसोस के आज वो इतना नहीं चल सके। मगर ये साबित हुआ कि स्पिन काम कर रही है। जिस तरीके से राशिद ने बॉलिंग की है, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, और इसी वजह से ये इंडिकेशंस मिल रही है कि अच्छा, स्पिन एक काम कर दोस्तों रही को है। बात बताना मैं भूल गया कि अफगानिस्तान को 112 रन्स पे आउट करने पे जो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगा है वो इंग्लैंड के बॉलर सेम करन ने लगा है, जिसने अपने 3.4 बॉल्स पर 10 रन्स देकर 5 विकेट लिए। उसके अलावा मार्क वुड ने 4 ओवर में 23 रन्स और बेन स्टोक ने 4 ओवर में 19 रन्स 2 विकेट। तो सेम करन ने अपने एफर्ट्स लगाए, 5 विकेट लिए और उसकी वजह से उसको मैन ऑफ द मैच मिला। तो शायद जैसे कि हम देखते आए हैं कि हमेशा अफगानिस्तान कुछ रन्स कम बनाती है, जैसे कि 10 रन्स 20 रन्स 30 रन्स, जिसकी वजह से उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। जबकि वो बाद में बॉलिंग करते हुए अच्छी विकेट्स भी ले लेते हैं, किसी को चेस आराम से करने नहीं देते। जैसे इंग्लैंड जैसी हाई प्रोफाइल जो टीम है उसकी इतनी हाई प्रोफाइल बैटिंग है, जो उसके 8 नंबर तक सारे बैट्समैन हैं, तो वो भी इतनी मुश्किल से चेस कर रहे हैं। हाँ, ये तो सारा पिचेस को क्रेडिट जाता है। जिस तरह की इस बार जो ऑस्ट्रेलिया में पिचेस हैं, हमने जो है वो ये तो कॉनवे पिछली मैच में जैसे इफी ने रिव्यू किया था उसमें, ये तो शुक्र है कि फिन एलन और कॉनवे की जो पार्टनरशिप है वो इनको बूस्ट कर गई। मगर वो भी पिच जो है 150-160 की थी, तो उस हिसाब से फिर आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे जो है ऑस्ट्रेलिया को कैसे डिसमिस किया न्यूजीलैंड ने। तो ये तो क्रेडिट सारा बैटिंग ऑर्डर को जाता है कि वो
ऐसी मुश्किल पिचेस पे भी स्कोर कितना आगे ले जा सकते हैं जैसे न्यूजीलैंड ने लिया। सो ये अब जैसे कि हम कल की मैच की तनाजर में देखें तो यही है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से दोनों बीटेबल टीम्स हैं तो बॉलिंग में ज़रा पाकिस्तान तगड़ा है और बैटिंग में इंडिया तगड़ा है, तो ये बिल्कुल एक बीटेबल मुकाबला होगा। और इसके बारे में इफ़ी के जो ख्यालात मेरे हैं ख्याल के मुताबिक जो पाकिस्तान वो इंडिया का मैच होता है, ये ना उनकी मतलब बैटिंग या उनकी बॉलिंग, इनसे ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल मैच होता है। मेंटली जो पावरफुल होगा वही परफॉर्म करेगा, जैसे कि हमेशा विराट कोहली करते हैं। उसके अलावा उनका कोई भी बैट्समैन मेंटली परफेक्ट होके नहीं आता। के राहुल बहुत अच्छे बैट्समैन है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो शाहीन आफरीदी के आगे ऐसे लड़खड़ाते हैं कि मतलब समझ उनको नहीं आता कि वो बाल कहाँ गिराने वाले हैं, इनको कैसे खेलना है। वो बहुत डिफेंडिव क्रिकेट खेलते हैं जिसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। अगर वो ऐसी क्रिकेट खेलें जैसे कि आज सुबह के मैच में फिन एलिन और दूसरा कॉनवे ने खेली थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो बॉलर्स हैं, एक तरफ से स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, दूसरी तरफ से कुमिंस बॉलिंग कर रहा है, जोश हेजलवुड कर रहा है, तीन टॉप टॉप बॉलर हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट भी उन्होंने आधी आधी पिच तक वो आगे बढ़ के ही वो शॉट्स लगा रहे थे। तो रोहित शर्मा और रोहित राहुल जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बार देखा गया है कि वो मेंटली बहुत प्रेशर ले लेते हैं शाहीन आफरीदी का, जबकि शाहीन आफरीदी इतना बड़ा बॉलर है नहीं जितना बड़ा बॉलर उसको इंडिया टीम ने बना दिया है, मेरा ख्याल है। हाँ एग्जैक्टली यही है कि आपको अगर पाकिस्तान के खिलाफ उतरना है तो ऑब्वियसली मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप प्रेशर हैंडल करेंगे उतना मैच अच्छा होगा। और ये है कि एग्रेसिव आस्पेक्ट लेके मैच में उतरना पड़ेगा। अगर जिस तरह से नहीं, मगर अभी राहुल ने काफ़ी जो पिछली इनिंग्स हैं वो वार्म अप के लिए हैं, या पिछली जो इंडिया में उनका सीरीज़ था तो उसमें भी उसने बहुत एग्रेसिव बैटिंग की है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा साबित होगा। राहुल के लिए हमेशा यही फेमस है कि राहुल जो है, जो मतलब जिस मैच में ज़रूरत नहीं होती उसी में परफॉर्म करते हैं, जिसमें ज़रूरत होती है राहुल परफॉर्म नहीं करते। तो ये राहुल की रवायत रही है, राहुल हमेशा ऐसे ही खेलते हैं। तो कल देखते हैं कि मतलब हार पाकिस्तान की होती है या इंडिया की होती है, या दोनों की हार होती है बारिश की आने की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। सो मेंटली के हिसाब से जो लास्ट मैच इंडिया वर्स पाकिस्तान का हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान ने मेंटली परफेक्ट अपना वो दिखाया था, जबकि उनके 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। उसके बाद भी रिजवान ने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया था, और जो एक स्पिनर है इनका मोहम्मद नवाज़, उसने बहुत अच्छे से बैटिंग की थी और उन्हें बिल्कुल प्रेशर नहीं होने दिया। जो उनके बाकी पीछे बैठे हुए बैट्समैन थे, उन पर कोई प्रेशर आने नहीं दिया, जबकि उन्होंने आराम से यानी चेस कर लिया था। 180 के करीब मेरे ख्याल में कोई स्कोर था, तो उन्होंने आराम से चेस कर दिया था और कोई तकलीफ उनको नहीं हुई थी। प्रॉब्लम हर जगह यही होता है कि आप जितना जिस चीज़ को मेंटली ज़्यादा उसका प्रेशर लोगे तो आप मैच हार सकते हो। तो आज जैसे कि सुबह के मैच में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूजीलैंड हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, और क्या कहते हैं इंडिया के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जबकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आती है तो वो बिल्कुल जिम्बाब्वे की तरह खेलती है। यही फिन एलन है, यही कॉनवे है, यही विलियमसन है, यही फिलिप्स है, इन सारों ने अपने मुल्क में कोई भी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। पाकिस्तान आराम से जीत गया, जबकि वहाँ पे उनकी कोई बॉलर भी नहीं थे, शाहीन नहीं था, हारिस रऊफ नहीं था। कई मैचेस में उनको सिर्फ ये वसीम जूनियर ही मैच जिता रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूजीलैंड अपनी ग्राउंड पे ये इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों दिखाता है। तो अभी भी स्टार्ट तो उन्होंने अच्छा लिया है न्यूजीलैंड का, लेकिन मुझे पता है कि वो अपनी रवायत बरकरार रखेगा और सेमीफाइनल तक जगह बनाने के बाद वो पाकिस्तान को ईजिली फाइनल के लिए जगह दे देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता जिस तरीके से, क्योंकि दोनों तरफ से अभी इंग्लैंड भी ऐसी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी बाउंस बैक करेगा। तो अभी ये डिसाइड करना कि फाइनल कौन खेलेगा ये तो बहुत मुश्किल है, मगर उम्मीद करते हैं कि मैच अच्छे होंगे और इंजॉय करेंगे। मेरा ख्याल है रिव्यू बहुत हो गया है अब, मतलब
कल के लिए बचा लेते हैं, कल भी हमारे साथ साहिर होंगे और हम दोनों जो है मैच से थोड़ा सा पहले या मैच के दौरान ही हम दोनों रिव्यू करेंगे मैच के बारे में। सो हमारे साथ रहिएगा, थैंक यू।